जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस भर्ती 2019 का इंतजार कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया हूँ। दोस्तों, कई दोस्तों के जो डाउट थे कि सर 2019 में आचार संहिता लग चुकी है तो नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो 2020 में आएगा, तो दोस्तों उन बच्चों के लिए आज वो उनका डाउट है, वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में यह भी देखेंगे कि जो 2019 में आपका जो दिल्ली पुलिस भर्ती होने वाला है दोस्तों, उसमें क्या पहले रिटर्न होगा या पहले फिजिकल होगा। साथ में कई दोस्तों को ये डाउट थे कि सर जो एज क्रिटेरिया है वो 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा या फिर जुलाई से काउंट किया जाएगा। साथ में उन्हीं के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, जिन्होंने जिनके ये भी डाउट था कि जो लाइसेंस है वो कितना पुराना होना चाहिए, गर्ल्स के लाइसेंस अनिवार्य है या नहीं है, बॉयज़ के लिए लाइसेंस चाहिए तो कितना पुराना चाहिए, लर्निंग चाहिए या हैवी चाहिए। दोस्तों ये सारे डाउट दोस्तों आज आपको इस वीडियो देखने के बाद में आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट के साथ अन्य कोई न्यू रिक्रूटमेंट या नोटिस आता तो उसकी सबसे पहले जानकारी हम आप अपने YouTube चैनल पर आपको प्रदान करते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, विद प्रूफ में आपको सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ, आप खुद देख सकते हैं। RTI के द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ली गई है। दोस्तों आप खुद देख सकते, ऑफिस ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेबलाइजमेंट MSO बिल्डिंग 6 फ्लोर IP स्टेट न्यू दिल्ली। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हो सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2015, मतलब दिल्ली पुलिस के RTI लगाकर ये वैकेंसी के बारे में पूछा गया था, तो वही दोस्तों ये RTI की जो स्लिप है वो आपके सामने है। दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करते हैं, दोस्तों बहुत से दोस्तों का जो डाउट है कि सर क्या गर्ल्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य है या बॉयज़ के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल के लिए। तो दोस्तों मेल के लिए लाइसेंस है अनिवार्य है, फीमेल के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर फीमेल के पास में लाइसेंस नहीं है तो भी चलेगा, तो भी वो एलिजिबल है दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं लाइसेंस के बारे में, मेल के बारे में। अगर आपके पास में लाइसेंस है तो कितने दिन पुराना होना चाहिए, कितने महीने पुराना होना चाहिए, साथ में कौन सा लाइसेंस होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपका जो लाइसेंस है वो मिनिमम 3 मंथ आपका लाइसेंस है वो पुराना होना चाहिए। दोस्तों अब मैं बता दूं 3 मंथ कैसे होना चाहिए, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उससे 3 महीने पहले का बना हुआ होना चाहिए। साथ में लाइसेंस आपके लोकल मोटर लाइसेंस LMU होना चाहिए, जो लोकल लाइट मोटर व्हीकल है उसका आपको लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो भी आप एलिजिबल हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के ये डाउट था कि सर एज क्रिटेरिया क्या रखा गया। दोस्तों एज क्रिटेरिया बढ़ा दिया गया है, पहले भी दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस जारी करके बताया था। तो आप यहाँ देख सकते हो, हम जनरल की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जनरल की बात करें तो आपका जनरल दिल्ली पुलिस का जो एज क्रिटेरिया दोस्तों वो है 25 साल, पहले 23 साल था अब 25 साल कर दिया गया। दोस्तों सॉरी, पहले 21 साल था अब 25 साल कर दिया गया। अगर OBC की बात करें, OBC और SC ST की बात करें, SC ST की बात करें तो OBC को 3 साल का जो एज में छूट मिलती है और SC ST में 5 साल की छूट मिलती है। अगर हम बात करें तो जनरल 25 साल और SC ST को 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, OBC 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एज, एज कब से काउंट होगी आपकी। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपके जो एज है दोस्तों वो आपकी एज अकाउंट होने वाली है 1 जुलाई से। अगर 1 जुलाई को आपको 18 साल हो चुके तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अब हम देखते हैं दोस्तों जो RTI के द्वारा पूछी गई सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें वैकेंसी कितनी कितनी आने वाली है, आपके फॉर्म कब फिलअप होने वाले हैं, सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, जो एग्जाम करवाने वाली है वो दिल्ली पुलिस नहीं करवाएगी, अब की बार भी SSC ही कंडक्ट करवाने वाली। दिल्ली पुलिस जो रिक्रूटमेंट 2019 होने वाला है वो SSC ही कंडक्ट करवाने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या पहले रिटर्न होगा या पहले फिजिकल होगा। तो दोस्तों SSC GD को देखते हुए आपका अब की बार पहले रिटर्न भी हो सकता है और रिटर्न के बाद में आपका फिजिकल करवा सकते हैं। दोस्तों ये ऑल इंडिया भर्ती होती है, इसमें ऑल इंडिया कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यह भर्ती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की दोस्तों ये भर्ती है। अब देखते हैं हम दोस्तों जो
आरटीआई के द्वारा जो जानकारी दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा वो। तो दोस्तों आप यहां देख सकते, सबसे पहले क्या रिप्लाई किया है जो आरटीआई के द्वारा दिल्ली पुलिस ने क्या जो रिप्लाई किया आप यहां देख सकते। तो एज ऑन 1/8/2018 द वैकेंट पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ईयर 2018 ऑफ दिल्ली पुलिस कैलकुलेटेड अप टू 31/12/2018 इज 3260 और 1616 रिस्पेक्टिवली परसेंट ऑफ एमएचएल लेटर डेट 26 मार्च 2015 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन नॉन गजेटेड पोस्ट इन आल्सो टेकन इन टू अकाउंट बिसाइड द कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसी फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2019 अंडर प्रोसेस। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने बताया कि अंडर प्रोसेस चल रही है आपकी जो वैकेंसी है इसमें आपको बताया है कि जो 33% इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। आपकी वैकेंसी 3260 वैकेंसी है, 1616 वैकेंसी जो फीमेल की और 3260 वैकेंसी है वो मेल की, जो 2019 के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है वो इसमें आपको निकाली जाएगी। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए तो टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव 3260 मेल की वैकेंसी और 1660 जो 1616 जो वैकेंसी है वो फीमेल की। टोटल दोस्तों आपकी वैकेंसी ये 4876 मतलब 4876 वैकेंसी पर आपका ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों ये एमएचए के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी आरटीआई लगा के उनकी ये स्लिप है दोस्तों, ऑफिशियली मैं जानकारी आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, कोई किसी प्रकार के फेक न्यूज नहीं है। अगर आप भी आरटीआई लगा के पूछना चाहते हो तो आप भी आरटीआई लगा के दिल्ली पुलिस से ये पूछ सकते हो कि वैकेंसी कब तक आने वाली है, कितनी वैकेंसी आएगी और जल्दी दोस्तों ये आपकी वैकेंसी आने वाली है सपोजली दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो पहले वाला बेस था 2017 का जो रिक्रूटमेंट था दोस्तों उसका जो पास आउट हो चुके कैंडिडेट सारे कॉन्स्टेबल जो मेल एंड फीमेल है वो पास आउट हो चुके, तो अब जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है दोस्तों। तो ये थी एक दोस्तों मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम कोई भी नया रिक्रूटमेंट आता है, कोई भी न्यू रूल चेंज होता है, कोई भी नया नोटिस आता है तो सबसे पहले जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।